हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टॉप्स 100 एमसीक्यूज, जिसमें हम सबसे पहले एमएस वर्ड्स के 50 क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो एमएस एक्सेल से होगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स इज डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशंस, कंपाइलर्स, सिस्टम्स या प्रोग्रामिंग्स? राइट आंसर्स क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या है? विच इज नॉट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? ऑप्शंस ए इटैलिक्स यानी फॉन्ट स्टाइल्स, बी मैजिक्स टूल, सी फॉन्ट्स, डी बोल्ड। तो राइट आंसर्स क्या होगा? मैजिक्स टूल। नेक्स्ट क्या है? डैश कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम कौन सा ऑप्शंस का यूज नहीं करते हैं काम्स के लिए? ऑप्शंस ए क्या है? जॉयस्टिक, स्कैनर्स, लाइट पेन, माउस। तो राइट आंसर्स क्या होगा? जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक्स का हम ज़्यादातर यूज करते हैं गेम खेलने के लिए। नेक्स्ट क्या है? विच इज नॉट एन एडिशंस ऑफ एमएस वर्ड्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स का वर्जन्स आपने बताना है कि कौन सा नहीं है इन चार ऑप्शंस में। तो राइट आंसर्स क्या होगा? एमएस वर्ड्स 1020। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स वॉज रिलीज्ड इन विच ईयर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स कौन से ईयर्स में बनाया गया था? तो राइट आंसर्स क्या होगा? 1983 में। नेक्स्ट क्या है? हाउ मैनी टैब्स आर देयर्स इन रिबन्स इन एमएस वर्ड्स। एमएस वर्ड्स में जो रिबन्स होता है उसमें टोटल्स टैब्स कितने होते हैं? तो राइट आंसर्स क्या होगा? 7। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैब्स इन रिबन्स इन एमएस वर्ड्स। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे क्या टैब्स रिबन्स में होते हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज द डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड्स। एमएस वर्ड्स में कौन सा टैब्स डिफॉल्ट होता है? तो राइट आंसर्स क्या होगा? होम टैब। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स आर देयर्स इन होम टैब्स। होम टैब्स में कितने ग्रुप्स रिलेटेड होते हैं कमांड्स? तो राइट आंसर्स क्या होगा? 5। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज अ कमांड्स इन होम टैब्स? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग्स कैन बी चेंज्ड फ्रॉम होम टैब। हम होम टैब्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग्स को चेंज कर सकते? फॉन्ट साइज, एडिंग बुल्ड, एडजस्टिंग स्टाइल्स या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड टैब्स इन द रिबन्स, यानी सेकेंड टैब्स रिबन्स का कौन सा है इनमें से? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या रेफरेंस। तो राइट आंसर्स क्या होगा? इंसर्ट, यानी होम के साथ में इंसर्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? द डैश वर्क्स विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑफिस क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन की आपने एग्जाम्पल्स बतानी है इन चार ऑप्शन में से। लैंडस्केप, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, A4। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पार्ट, लैंडस्केप्स। और इसमें कितनी टाइप्स होती हैं? टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक लैंडस्केप और दूसरी कौन सी? नीचे कॉमेंट्स में बताए। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन। फॉर्मेटिंग किसको परफॉर्म करता है? टेक्स्ट, टेबल्स, मेन्यू। ऑप्शंस ए एंड बी पार्ट।
राइट आंसर्स क्या होगा, टेक्स्ट और टेबल्स को। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग आर रिज्यूम्स, हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं आर रिज्यूम्स बनाने के लिए, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड्स, जावा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डी सी लैंग्वेज। तो राइट आंसर्स क्या होगा, ऑप्शन बी पार्ट, एम एस वर्ड का यूज हम करते हैं रिज्यूम्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडोज इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स में अगर आप काम करते हो, अगर आप चाहते हो कि हेल्प विंडोज का मेन्यू ओपन हो, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट का यूज करते हो, तो राइट आंसर क्या होगा, एफ वन। एफ वन जो ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रेस करोगे तो आपके पास क्या एक हेल्प मेन्यू ओपन होगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ कमांड इन इंसर्ट टैब्स, इंसर्ट टैब्स में आपने बतानी है इन चार ऑप्शंस में से कौन सी कमांड्स नहीं होती है, तो राइट आंसर क्या होगा, स्टाइल। स्टाइल्स किस में होता है, होम्स टैब में। नेक्स्ट क्या है, विच एनेबल अस टू सेंड द सेम्स लेटर्स टू डिफरेंट पीपल्स, अगर आप चाहते हो कि सेम्स लेटर्स अलग अलग लोगों को सेंड करें, और वो कौन से ऑप्शन से आप कर सकते हो, तो राइट आंसर क्या होगा, मेल मर्ज से। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्टेड ऑल द टेक्स्ट इन एम एस वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स बाई डैश, राइट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए जिस भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, और अगर जो ही आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे, तो आपके पास जितना भी टेक्स्ट होगा वो क्या सारा सिलेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्या है, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम एस वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि एम एस वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स का नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, व्यू ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, द नेम्स ऑफ अ वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स डिस्प्लेज इन डैश, तो राइट आंसर क्या है, होम टैब्स। होम टैब्स क्या है, वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स में डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन चार ऑप्शन में से कौन कौन से हैं, वर्ड्स परफेक्ट, वर्ड पैड्स, एम एस वर्ड या ऑल ऑफ दीज, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है, ईच लाइन्स रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी लेटर्स इन वर्ड स्टार्ट, यानी वर्ड स्टार्ट में कितने लेटर्स एक लाइन में आते हैं, तो राइट आंसर क्या है, 65 लेटर्स। नेक्स्ट क्या है, विच फाइल स्टार्ट विद एम एस वर्ड्स, एम एस वर्ड्स में हम कौन सी फाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, विन वर्ड डॉट ई एक्स ई। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू, कंट्रोल प्लस एन आप किस के लिए यूज करते हो, तो राइट आंसर क्या होगा, क्रिएट्स अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ले आउट टूल्स, इन चार ऑप्शन में से आपने बताने हैं कि ले आउट टूल्स कौन कौन से हैं, बाउंड्रीज, गाइड्स, रूलर्स, ऑल ऑफ द एबो, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ कमांड्स इज देयर्स इन व्यू टैब्स, व्यूज टैब्स में टोटल्स कितने कमांड्स के ग्रुप्स होते हैं, तो राइट आंसर क्या है, 5। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड्स इन व्यू टैब्स, व्यूज टैब्स में कौन कौन सी कमांड होती है, राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबोव, यानी डॉक्यूमेंट्स, व्यूज, शो, हाइड्स, जूम्स, ये सारे क्या हैं, व्यू टैब्स में होते हैं। नेक्स्ट क्या है, रूलर्स इज प्रेजेंट्स डैश द रिबन्स, राइट आंसर क्या होगा, ब्लो, रूलर्स कहाँ पे होता है, रिबन्स के नीचे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑप्शंस इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड्स, एमएस वर्ड्स में आपने बताने कि सेव जब हम करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो इन चार ऑप्शंस में से कौन कौन से करेक्ट हैं, राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी सेव भी उसमें हो जाता है, सेव एज भी ऑप्शन आता है, कंट्रोल प्लस एस भी अप्लाई होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर इन केस मेन्यू,
केस मेन्यू में टोटल्स कितने टाइप्स के ऑप्शंस आते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? फोर। नेक्स्ट क्या है? पैराग्राफ्स ग्रुप्स इज प्रेजेंट्स अंडर विच टैब्स? पैराग्राफ्स ग्रुप्स कौन से टैब्स के अंडर आते हैं? होम टैब्स, इंसर्ट, पेज लेआउट्स या रेफरेंस? तो राइट आंसर क्या होगा? होम्स टैब्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी अलाइनमेंट्स ऑप्शंस आर प्रेजेंट्स इन पैराग्राफ्स ग्रुप? पैराग्राफ्स ग्रुप्स में कितने ऑप्शंस आपके पास आते हैं अलाइनमेंट के? तो राइट आंसर क्या होगा? फोर। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज प्रेजेंट्स इन अलाइनमेंट्स ऑप्शंस? राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबो, यानी अलाइंस लेफ्ट टेक्स भी हम कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं और राइट्स में भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। नेक्स्ट क्या है? यू कैन अंडरलाइन योर डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट विद डैश, यानी अगर आप चाहते हो एमएस वर्ड्स में किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करें तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन का यूज करते हो? तो राइट आंसर क्या होगा? अंडरलाइन। नेक्स्ट क्या है? वी कैन अप्लाई स्टाइल्स इन विच टैब्स, यानी आप कौन से टैब्स में स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो? तो राइट आंसर क्या होगा? होम्स टैब्स में। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ टाइप्स ऑफ पेज ऑरियंटेशन? पेज ऑरियंटेशन की टाइप्स आपने बतानी है कि कौन कौन सी है। तो राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी पार्ट, यानी पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज इन एमएस वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हो तो उसमें पेज साइज डिफॉल्ट क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 8.5 × 11। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट मर्जिन सेट्स इन एमएस वर्ड्स? एमएस वर्ड्स में डिफॉल्ट मर्जिन सेट्स क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 1 इंच। नेक्स्ट क्या है? विच इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल्स इन एमएस वर्ड्स? एमएस वर्ड्स में आपने बताना है कि फॉन्ट स्टाइल्स कौन सा ऑप्शन नहीं है, बोल्ड, सुपर स्क्रिप्ट, इटैलिक्स या रेगुलर्स? तो राइट आंसर क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या फॉन्ट स्टाइल्स नहीं है एमएस वर्ड का। नेक्स्ट क्या है? वी कैन सेंड द वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स टू डैश? वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स को हम किस किस सॉफ्टवेयर में सेंड कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स, एमएस एक्सेल, एमएस एसिस या ऑल ऑफ द अबो? तो राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। नेक्स्ट क्या है? द डिफॉल्ट पेज ऑरियंटेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स इज डैश? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स में पेज ऑरियंटेशन डिफॉल्ट कौन सा होता है? लैंडस्केप, लॉन्ग स्लाइड्स, पोर्ट्रेट्स या डबल्स लॉन्ग स्लाइड्स? राइट आंसर होगा पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू स्पेल चेक्स इन एम एस वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स? तो राइट आंसर क्या होगा? F7। F7 से आप क्या वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स में किसी भी स्पेलिंग्स को चेक्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? हाउ मैनी मैक्सिमम्स नंबर्स ऑफ कॉलम्स कैन बी इंसर्ट इन द वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स? यानी हम एम एस वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स में कितने कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 45। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट्स ऑन फॉर्मेटिंग्स टूल बार? फॉर्मेटिंग्स टूल्स बार में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 8 और लार्जेस्ट 72। नेक्स्ट क्या है? वी शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर अलाइन सेंटर्स इन एमएस वर्ड्स? अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइंस हो एमएस वर्ड में तो उस टाइम्स आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हो? तो राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस ई। जो ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास जितना भी टेक्स्ट होगा वो क्या सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विच इज द डिफॉल्ट अलाइंसमेंट्स इन एमएस वर्ड्स? डिफॉल्ट अलाइनमेंट्स बोलनी है आपने एमएस वर्ड की। तो राइट आंसर क्या होगा? लेफ्ट। नेक्स्ट क्या है? विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर द सेव्ड डॉक्यूमेंट्स इन एम एस वर्ड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस जो ही आप प्रेस करोगे
एमएस वर्ड्स में, तो आपका डॉक्यूमेंट्स क्या वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स इज अ डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम्स या स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम्स। ऑप्शंस डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। और प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम्स कौन होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम्स कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप्स 50 एमसीक्यूज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें भी देखेंगे। एमएस एक्सेल स्टैंड्स फॉर डैश, यानी एमएस एक्सेल का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर है इन चार ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस डी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या है, फ्री ऑनलाइन वर्जन्स ऑफ एमएस एक्सेल्स इज नोन एज। एमएस एक्सेल्स का जो फ्री ऑनलाइन वर्जन्स है उसे हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, एक्सेल फॉर द वेब। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज फर्स्ट टाइम्स लॉन्च्ड इन डैश बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट टाइम्स कौन से ईयर्स में लॉन्च हुआ है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने ही किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, 1985 में। नेक्स्ट क्या है, एक्सेल इज अ डैश प्रोग्राम्स डिवेलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल कौन सा प्रोग्राम्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिवेलप किया है, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटा मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबो। तो राइट आंसर क्या होगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल्स कौन सी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, XLSX। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल्स नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम अपनी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट फाइल्स नेम्स कौन सा होता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी पार्ट, वर्कबुक्स वंस डॉट्स XLSX। नेक्स्ट क्या है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी इज यूज्ड टू डैश। हम एक्सेल्स में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की किसके लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, फिल डोंस इन द सिलेक्शन। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स इज यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स हम किस किस के लिए यूज करते हैं, एनालिसिस के लिए, डेटा एंट्री के लिए, डेटा मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द एबो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द कलेक्शंस ऑफ वर्कशीट्स कॉल्ड। हम एक्सेल में कलेक्शंस ऑफ वर्कशीट्स किसे कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, वर्कबुक। नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। हमारे एक्सेल में जो वर्कशीट होती है जहाँ पे हम कोई भी काम करते हैं, वर्कशीट्स में टोटल नंबर्स ऑफ रोज कितनी होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, 10,48,576। नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट्स। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होती है हमारे वर्कशीट में। तो राइट आंसर क्या है, 16,384। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द कॉलम्स विड्थ इन अ वर्कशीट्स। हमारे वर्कशीट्स में कॉलम्स विड्थ कितनी होती है, यानी हम कितने करेक्टर्स उसमें फिल कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, 255 करेक्टर्स। नेक्स्ट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट अ सेल कंटेन्स इज। टोटल नंबर्स ऑफ करेक्टर्स कितने होते हैं हमारे सेल्स में। तो राइट आंसर क्या है, 32,767। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी हाइपर लिंक्स कैन बी दियर्स इन अ वर्कशीट्स।
हमारे वर्कशीट्स में कितने हाइपरलिंक्स होते हैं? तो राइट आंसर्स क्या है, 65,530। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी टाइम्स अंडू लेवल्स कैन बी यूज्ड इन आवर वर्कशीट्स? हम अपने एक्सेल्स में यानी वर्कशीट्स में कितनी दफा अंडू कर सकते हैं? तो राइट आंसर्स क्या होता है, 100 टाइम। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी यूजर्स कैन ओपन द एक्सेल फाइल्स एट द सेम टाइम? कितने यूजर्स एक्सेल्स को एक ही साथ में खोल सकते हैं यानी काम कर सकते हैं? तो राइट आंसर्स क्या है, 256 यूजर्स। नेक्स्ट क्या है, द इंटरसेक्शंस ऑफ अ कॉलम्स एंड अ रो इन अ वर्कशीट्स इज कॉल्ड डैश। हमारा जो वर्कशीट्स होते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं एक्सेल्स में, वहाँ पे जो कॉलम्स और रो जिस जगह पे मिलते हैं यानी इंटरसेक्ट होते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर्स क्या होगा, सेल। नेक्स्ट क्या है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट अ मैक्रो इन एमएस एक्सेल? तो राइट आंसर्स क्या होगा, विजुअल्स बेसिक्स लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है, अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एमएस एक्सेल? यानी एमएस एक्सेल में चार्ट ऑप्शंस कौन से टैब्स के अंडर होता है? तो राइट आंसर्स क्या है, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्या है, फार्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट्स विद डैश? हम एक्सेल में फार्मूला किस से स्टार्ट करते हैं? तो राइट आंसर्स क्या है, इक्वल, ऑप्शंस डी पार्ट। नेक्स्ट क्या है, एमएस एक्सेल फाइल्स कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज डैश? राइट आंसर्स क्या है, पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में हम एक्सेल फाइल्स को डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, ए फाइल्स दैट कंटेन्स वन आर मोर वर्कशीट्स टू ऑर्गेनाइज डेटा इज नोन एज डैश? तो राइट आंसर्स क्या है, वर्कबुक। नेक्स्ट क्या है, इन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट्स रोज आर लेबल्ड एज डैश? हम एक्सेल्स में रोज को कैसे लेबल करते? तो राइट आंसर्स क्या है, ऑप्शंस ए पार्ट। नेक्स्ट क्या है, इन एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट्स कॉलम्स आर लेबल्ड एज डैश? हम कॉलम्स को कैसे लेबल करते हैं एम एस एक्सेल में? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस बी पार्ट। नेक्स्ट क्या है, इन एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट्स सेल्स आर लेबल्ड एज डैश? हम एम एस एक्सेल में सेल्स को किस से लेबल्स करते हैं? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी पार्ट। नेक्स्ट क्या है, इन एम एस एक्सेल कंट्रोल प्लस एस कैन बी यूज टू डैश? कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की जो होती है वो हम एक्सेल में किसके लिए यूज करते हैं? तो राइट आंसर क्या है, सेव। नेक्स्ट क्या है, इन एम एस एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक्स इज डैश? तो राइट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन जो ही आप एक्सेल्स में प्रेस करते हो तो उस टाइम पे क्या एक न्यू वर्कबुक्स आपके पास क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्या है, इन एमएस एक्सेल्स द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इज डैश? तो राइट आंसर क्या होगा, F12 जो ही आप प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड में तो आपके पास क्या एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नेक्स्ट क्या है, इन एम एस एक्सेल वर्कबुक्स कैन बी क्लोज्ड यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स डैश? राइट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो ही आप अपने कीबोर्ड्स में प्रेस करते हो तो आपके पास जो भी वर्कबुक्स जिस भी वर्कबुक में आप काम करते हो एक्सेल्स की वो क्या क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, डैश कैन बी यूज एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग्स इन एम एस एक्सेल? तो राइट आंसर क्या है, F7। F7 जो ही आप अपने कीबोर्ड्स में प्रेस करते हो तो उससे क्या स्पेलिंग्स चेक का एक मेन्यू आपके पास ओपन होता है। नेक्स्ट क्या है, विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन एम एस एक्सेल? तो राइट आंसर क्या होगा, F1।
F1 से क्या एक्सेल्स में हेल्प मेन्यू ओपन होता है। नेक्स्ट क्या है, इन MS एक्सेल्स फंक्शंस मस्ट स्टार्ट्स विद डैश। एक्सेल्स में फंक्शंस कौन से सिंबल से स्टार्ट होता है? तो राइट आंसर्स क्या है, इक्वल। नेक्स्ट क्या है, डैश इज नॉट अ फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा, AVG यानी एवरेज। नेक्स्ट क्या है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिमूव ऑल बॉर्डर्स? तो राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरलाइन। जो ही आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करते हो तो जो भी बॉर्डर आपने क्रिएट किए होते हैं एक्सेस में, वो क्या सारे रिमूव होते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अप्लाई आउटलाइंस बॉर्डर्स? राइट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7 से क्या आउटलाइंस बॉर्डर्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू एड न्यू वर्कशीट्स? तो राइट आंसर क्या है, शिफ्ट प्लस F11। जो ही आप एक्सेल में प्रेस करते हो तो आपके पास क्या एक न्यू वर्कशीट्स क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज? तो राइट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। जो ही आप प्रेस करते हो तो आपके पास क्या फॉन्ट साइज चेंज होता है एक्सेल में। नेक्स्ट क्या है, इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम? तो राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस 0। जो ही आप एक्सेल में प्रेस करते हो तो जो भी आपने सिलेक्टेड कॉलम्स रखे होते हैं वो क्या हाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच की इज यूज टू सिलेक्ट द एंटायर रो? आप एंटायर रो के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हो? तो राइट आंसर क्या है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्या है, विच की इज यूज टू डिलीट वन करेक्टर फ्रॉम द राइट्स? मान लो आपने राइट साइड से एक्सेस में एक करेक्टर से डिलीट करना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हो? तो राइट आंसर क्या होगा, डिलीट। डिलीट वाला जो कीबोर्ड्स में बटन होता है, जो ही आप वो प्रेस करोगे यानी एक करेक्टर राइट साइड से क्या डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट्स यू नीड्स टू यूज अ डैश? राइट आंसर क्या है, फार्मूला। अगर आप किसी भी डेटा को कैलकुलेट करना चाहते हो एक्सेस में, तो उसके लिए क्या फार्मूला का यूज करते हो आप। नेक्स्ट क्या है, यू कैन एड इमेज टू अ टेम्पलेट बाई क्लिकिंग द पिक्चर्स फ्रॉम द? राइट आंसर क्या होगा, इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्या है, हाइपर लिंक्स कैन बी डैश? हाइपर लिंक्स क्या है, टेक्स्ट पिक्चर्स ड्राइंग्स ऑब्जेक्ट ऑल ऑफ दी अबो? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबो। नेक्स्ट क्या है, न्यू कमेंट्स ऑप्शंस कैन बी फाउंड अंडर डैश टैब्स? न्यू कमेंट्स जो है ऑप्शंस वो किस टैब्स के अंडर होता है? तो राइट आंसर क्या होगा, रिव्यू। नेक्स्ट क्या है, इन एक्सेस बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक्स वैल्यू अपीयर्स इन डैश? तो राइट आंसर क्या है, राइट्स अलाइंड। नेक्स्ट क्या है, इन मैक्सिमम्स हाउ मेनी शीट्स कैन बी सेट्स एज अ डिफॉल्ट व्हाइल क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक? राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 255 करेक्टर्स। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डेटा विद इन शीट्स डैश? तो राइट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस H जो है, इससे क्या आप डेटा को रिप्लेस कर सकते हो MS Excels में। नेक्स्ट क्या है, एक्सेल्स डिस्प्ले द करंट सेल्स एड्रेस इन द डैश? तो राइट आंसर क्या है, नेम बॉक्स। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।